बहुत बुरा लगता है लोग एयर इंडिया के बाद ट्रैवल करके आते हो ऐसे मतलब ऐसी मुंह बना के आते हो मतलब यार एरोस्टेस बहुत बूढ़ी थी यार मजा नहीं आया मतलब मजे के लिए थी भी नहीं वो फ्लाइट मतलब एसएल वर्ल्ड नहीं जा रहे थे आप मतलब नहीं क्या रॉन्ग एक्सपेक्टेशन लेके चढ़ रहे हो प्लेन में मतलब बहुत बूढ़ी थी यार बूढ़ी थी तो जेट एयरवेज की जवान होती वहां क्या उखाड़ लेते हो आप मतलब पानी दो बार ज्यादा ही मंगाते हो और तो कुछ होता नहीं उधर भी कौन सी एयरहोस्टेस आपको देख के दीवानी हो रही है ओ माय गॉड जस्ट लुक एट शर्मा जी लेग रूम यू नो ओ देयर इज सो मच टर्बुलेंस देयर इनका सीट बेल्ट तो मैं फास्टर नहीं लूजन करूंगी यार ऐसा नहीं होता उधर भी फिर आपने देखा जब फ्लाइट में टर्बुलेंस होता है ना सबका कॉमन रिएक्शन होता है एक तो फटती सबका कॉमन रिएक्शन होता है बट आपने देखा नो मैटर कितना रफ टर्बुलेंस हो हर फ्लाइट में एक आदमी जरूर होता है वो थ्रू आउट द जर्नी सोता ही रहता है मतलब उसको अलग ही कॉन्फिडेंस है पायलट पे यार मतलब नहीं नहीं यार ये लेके जाएगा यार अरे ये ऐसी डराता है नाटक करता है यू मतलब मैं तो जानता हूँ यार इसको फिर आप लैंड होते हो आप जो आप लैंड होने के बाद जब कन्वेयर बेल्ट पे लगेज ढूंढ रहे हो दोस्तों में आदमी सबसे ज्यादा इंपेशेंट होता है कि अब निकलूं यार अभी हो गया और आपका बैग हमेशा लेट ही आता है और हमेशा एक बैग होता है जो फर्स्ट राउंड में आ जाता है बड़ा सा बैग और वो घूमता रहता है घूमता रहता है घूमता रहता है उसके माँ बाप आते ही नहीं है यार मतलब उसको कोई हाथ ही नहीं लगाता मतलब एक बार बैग भी सोचा था शिट यार कि मैं मांगलिक तो नहीं हूं यार फिर मैं गोवा घूमने गया आपने देखा लोग गोवा में जाकर ना बहुत बैकी बैकी बातें करने लग जाते हैं मेरा फ्रेंड गोवा बैठ के बोल I belong here. Goa is my spirit animal. नहीं नहीं गोवा के सबको ऐसा लगता है अगर आपको बीच बियर और बिकनी देखने को मिले तो आप इमोशनली अटैच हो जाते हो थोड़ा सा कोई भी गाजियाबाद मेरठ जाके नहीं बोलता डूड आई बिलोंग हियर मायावती इज माई स्पिरिट एनिमल ऐसा कोई नहीं बोलता है right?